एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच में पहला मुकाबला हमें ऑलरेडी होता हुआ देखने को मिल चुका है, जहां पर भारत की टीम ने एक काफ़ी क्लोज लो स्कोरिंग मुकाबले में पाकिस्तान की टीम को हरा दिया था। लेकिन इस मुकाबले के बाद से ही दोनों ही टीमों की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है, क्योंकि जहां एक तरफ भारत की टीम अपने दोनों ही मुकाबले जीतकर एशिया कप के सुपर फोर यानी कि सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम को अपने आखिरी मुकाबले में हांगकांग की टीम के खिलाफ एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने को देखने को मिलने वाली है, जहां पर अगर पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले को जीतती है जिसके हाई हैं तो फिर वो पहुंच जाएंगे सुपर फोर में। लेकिन अगर पाकिस्तान हार जाती है तो फिर ये सबसे बड़ा शॉक हो जाएगा एशिया कप का, क्योंकि फिर उस केस में भारत के साथ आपको हांगकांग सेमीफाइनल में पहुंचती हुई नजर आएगी। ऐसे में इस करो या मरो के मुकाबले में पाकिस्तान की टीम के खिलाफ ये भी प्रेशर रहेगा कि अगर वो इस मुकाबले को जीत जाते हैं तो फिर भारत के खिलाफ मोस्ट प्रोबेबली उनको एटलीस्ट एक और मैक्सिमम दो मुकाबले खेलने पड़ेंगे, जिसका मतलब है अगर पाकिस्तान यहां जीत जाती है तो फिर 4 तारीख को पाकिस्तान और भारत के बीच में आप लोगों को दूसरा मुकाबला देखने को मिलेगा और ये सुपर फोर के मुकाबले होंगे। इसके बाद अगर वहां पर भी सब कुछ ठीक रहता है और भारत और पाकिस्तान दोनों ही टीमें सारी टीमों को बीट करते चलती हैं आगे और दोनों ही टीमें फाइनल में पहुंच जाती हैं, तो फिर एक बार फिर से 11 तारीख को एशिया कप में ही लगातार तीसरी बार आप लोगों को भारत और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला देखने को मिलेगा। कमेंट करके आप लोग बताइए आपकी क्या प्रेडिक्शन है, कितने और बार आपके हिसाब से भारत पाकिस्तान भिड़ेंगे इस एशिया कप में। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।